पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है, लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319699927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शहर के बेपटरी यातायात व्यवस्था की फिर खुली पोल, ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल। पद्मेश न्यूज पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने शुरू किया बालाघाट नैनपुर सड़क पर मरम्मत कार्य। लापरवाही की भेंट चढ़ गया दीनदयाल चलित अस्पताल, NHM मिशन संचालक ने पत्र भेजकर बंद करने के दिए आदेश। और अब खबरें विस्तार से। शहर के सरेका रेलवे फाटक के पास गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे एक ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक सवार घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार नर्मदा प्रसाद अस्थाने, उम्र 40 वर्ष, निवासी बमोड़ी, तहसील किरनापुर, गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे मोटरसाइकिल पर अपने पिता चुनीलाल अस्थाने, उम्र 65 वर्ष, एवं बेटी संगीता 7 वर्ष के साथ बालाघाट संगीता के इलाज के लिए आ रहे थे। इसी दौरान यह घटना घटित हो गई, जिसमें नर्मदा प्रसाद के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पिता चुन्नीलाल को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसमें मोटरसाइकिल चालक, उसकी बेटी और उसके पिता थे। इस दौरान मोटरसाइकिल को ट्रक से हल्की सी टक्कर लगी, इससे 3 लोग घायल हो गए। यहाँ से ट्रक आ रहे थे, साइड से जा रहे थे, तो उसमें ट्रक से हल्की सी टक्कर लगी तो ये नीचे आ गए। चक्के के सामने वाले चक्के में 3 लोग थे, इन लोग, एक बच्ची थी और एक इनके दादा थे और इनके पापा थे। तो पापा के पैर का नीचे आ गए दोनों टायर के सामने वाले, और दो लोग घायल हुए। तो दोनों कहाँ भर्ती है अभी? अभी पूरी हॉस्पिटल ले जाया गया है। ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य अविनाश सिंह ने बताया कि ब्रॉडगेज निर्माण कार्य पूरा होने के बाद से इस ट्रैक पर लगातार मालगाड़ियां चल रही है, जिससे बहुत अधिक जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। नतीजा लोग जल्दबाजी के चक्कर में हड़बड़ी कर रहे हैं और घटनाएं घटित हो रही है। उनकी मांग है कि रेलवे ब्रिज बनाया जाना चाहिए। अभी जब से अपने जौनपुर में ब्रॉडगेज चालू हुई है, मालगाड़ियों का परिवहन बढ़ गया है। आए दिन सरेका रेलवे फाटक में लंबा जाम लग रहा है। आज भी अभी बहुत लंबा जाम, आधे घंटे से कंटिन्यू जाम लगा हुआ था। सभी गाड़ियाँ धीरे धीरे निकल रही थी, अचानक ये बाइक वाला हड़बड़ी के चक्कर में ये ट्रक के सामने आ गया। उसमें वो भी जख्मी हुआ है और बच्ची भी जख्मी हुई। लगातार घटनाओं का ये सरेका रेलवे फाटक में अपना जो ओवरब्रिज का निर्माण इतने सालों से अधर में अटका हुआ है वो हो नहीं रहा। जब तक नया पुल नहीं बनेगा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अभी तत्काल की सुविधा के लिए डेंजर रोड एकमात्र विकल्प है, उसको बनवाने में सबको मदद करना चाहिए ताकि हैवी ट्रैफिक शहर में ना आए, शहर के बाहर निकल जाए। घटना की जानकारी मिलते ही यातायात विभाग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और घटना करी ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाले को एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दिया, जिससे वो मोटरसाइकिल वाला घायल हो गया। दोनों टांगों में चोट आई है और बच्ची को भी चोट लगी है। तो उन्हें जो घायल व्यक्ति है उसको अस्पताल पहुँचाया गया इलाज के लिए और ट्रक को इधर खड़ा किया गया, जिसे थाना परिसर में ले जाया जाएगा सुरक्षा खड़ा करने। और यहाँ जो भीड़ इकट्ठी थी उनको मतलब व्यवस्थित करा के इधर उधर। सर कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? सुनने में तो आया एक को ज़्यादा चोट है और एक व्यक्ति और बैठा था उसको हल्की चोट है। बच्ची को जो है वो खरोच है। ट्रैफिक तो व्यवस्थित बनाने के लिए हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन क्या है कि अनियंत्रित वाहनों का जो आना जाना होता है तेज गतियों से, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, समझाइश दी जा रही है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। अब क्या करें, घटना तो घट रही है। जिले के सुदूर आदिवासी तहसील बाहुल्य क्षेत्र बहियर परसवाड़ा बिरसा में संचालित दीनदयाल चलित अस्पताल 108 की सेवाएं अब बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
ने इस संदर्भ में जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है, जिसके चलते आदिवासी अंचल से सेवाएं अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के कार्यालय में यह आदेश संबंधित शाखा को प्राप्त हो चुका है। उसी शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार NHM मिशन संचालक छवि भारद्वाज के द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुदूर एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों में निवासरत आमजन को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से दीनदयाल चलित अस्पताल 108 का संचालन किया जा रहा था, लेकिन राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण में कई बार कई तरह की गंभीर अनियमितता और कमियां पाई गई। इसे सुधार के लिए कई बार सूचना दी गई, इसके बाद भी अनुबंधित एजेंसी के द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और न ही सुधार की कार्रवाई की गई, जिसे देखते हुए उनके द्वारा यह आदेश सख्ती से लिया गया है। आपको बता दें कि जिले के भीतर आदिवासी बाहुल्य तहसील बैयर बिरसा परसवाड़ा के साप्ताहिक बाजारों में दीनदयाल चलित अस्पताल को पहुंचना था और यहां पर पहुंचने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी थी, लेकिन अधिकांश समय यह देखा जाता था कि यह चलित अस्पताल इन स्थानों पर पहुँच कर खाना पूर्ति करते थे, न कि जरूरतमंदों को उचित इलाज देते थे। इन सब शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अब इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। निश्चित ही माना जा रहा है कि यदि चलित अस्पताल के द्वारा 5% लोगों का भी इलाज किया जा रहा था तो यह भी लाभ अब इन क्षेत्रों के लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द शासन कोई नई व्यवस्था आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए करेगी। रूपझर थाना अंतर्गत बैहर रोड जगन टोला कस्तूरी नाला के पास मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मृतक युवक नवीन पिता रामलाल मड़ावी 17 वर्ष और अनिल पिता चमार सिंह उइके 19 वर्ष ग्राम राजपुर चौकी उकवा थाना रूपझर निवासी है। गंभीर रूप से घायल युवक नीलेश पिता देवी सिंह मरसकोले 18 वर्ष ग्राम राजपुर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक खेती मजदूरी करते हैं। नवीन मड़ावी के परिवार में माता पिता और 2 बहनें हैं। परिवार के लोग खेती मजदूरी करते हैं। बताया गया है कि 24 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे नवीन मड़ावी अपने साथी अनिल उइके और नीलेश मरसकोले के साथ मोटरसाइकिल में अपने गांव राजपुर से उमरिया जा रहे थे। मोटरसाइकिल नवीन चला रहा था। तेज रफ्तार से दौड़ रही मोटरसाइकिल जगन टोला कस्तूरी नाला के पास मोड़ पर रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने के साथ ही नीलेश मोटरसाइकिल से उछलकर नाले में गिर गया। वहीं नवीन मड़ावी और अनिल उइके गंभीर रूप से घायल हो गए। अनिल की नाले में गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल नवीन मड़ावी और नीलेश मरसकोले को उकवा से 108 एम्बुलेंस में जिला अस्पताल लाया गया, जहां नवीन मड़ावी की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल नीलेश मरसकोले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। पद्मेश न्यूज की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां खबर का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नैनपुर से बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग 543 की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, जहां नैनपुर से लेकर बालाघाट बस स्टैंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग में जगह जगह उखड़ गई। सड़कों को दुरुस्त करने, सड़क के छोटे बड़े गड्ढों को भरकर उनका समतलीकरण करने का कार्य शुरू हो गया। इस कार्य के शुरू होते ही राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पड़ने वाले गांव के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। हाईवे रोड के जो खस्ता, इसकी हालत जो खस्ता हुई थी, इसके लिए हम लोगों ने पद्मेश न्यूज के माध्यम से कुछ बात रखना चाहे थे। पद्मेश न्यूज वाले आए और उन्होंने हम लोगों से चर्चा की, आवागमन वालों से भी चर्चा किया और पद्मेश न्यूज ने इस बात को अधिकतम एकदम प्राथमिकता में लेते हुए इस बात को उठाया, मुद्दा उठाया उनने और मीडिया के माध्यम से इस बात की सारी जानकारी फैलाई। इस जानकारी का इतना प्रभाव पड़ा कि आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि इसका सुधारने का कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है और जहां तक ऐसा लग रहा है कि काम शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आवागमन में कुछ सुविधा तो आएगी और रोड का भी ग्रामीण हालत साफ हो जाएगी। वहीं सड़क मरम्मत का कार्य कर रही इंदौर की एक कंपनी के सुपरवाइजर अशोक सिंह ने चर्चा के दौरान 10 दिनों के भीतर सड़क मरम्मतीकरण के इस कार्य को पूरा किए जाने की बात कही है। मरम्मत ये बालाघाट से और इधर ये नैनपुर रोड का ही करेंगे, डैमेज जगह का, बस ये 10 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है काम? ये इंदौर की कंपनी है, KG गुप्ता। अच्छा, वो कर रहे हैं।
बता दें कि नगर के बस स्टैंड से शुरू होकर नैनपुर तक जाने वाली सड़क पूरी लगभग 80 किलोमीटर पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि इस सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर यातायात का बहुत अधिक दबाव होने के कारण आए दिन इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके भी बीते कई महीनों से प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जिससे इस मार्ग पर पड़ने वाले गांव के लोग और मार्ग से गुजरने वाले राहगीर काफी परेशान थे। राहगीरों और ग्रामीणों की इस परेशानी को देखते हुए 20 दिसंबर को हमने पद्मेश न्यूज के माध्यम से इस मार्ग की जर्जर स्थिति को प्रमुखता से दिखाया था। वहीं इसके मरम्मतीकरण की मांग की थी। खबर का प्रकाशन होते ही संबंधित विभाग ने इस कार्य को प्राथमिकता से लेकर इस मार्ग के मरम्मतीकरण का कार्य शुरू कराया है। तेईस दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 5 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 13 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 23 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 2949 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2786 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 115 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 35 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों से बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर को बालाघाट जिले के 5 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में वार्ड नंबर 1 वारासिवनी का 42 वर्षीय पुरुष, 73 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के मोतीनगर का 35 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 3 की 40 वर्षीय महिला, ग्राम नेत्रा का 65 वर्षीय पुरुष शामिल है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।